वेलकम बैक। आपने देखा पिछले दिनों सिविल सोसाइटी और टीम अन्ना को कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ा। पहले उन्हें प्रोटेस्ट के लिए बैठने की जगह नहीं मिली, फिर जेल गए, फिर जेल इतना पसंद आ गया कि निकलने का मन ही नहीं किया, फिर निकाला गया, फिर बाहर निकल के तमाशा हुआ, फिर अगला टेस्ट मैच शुरू हो गया और सब अन्ना को भूल गए। बट द पॉइंट इज सिविल सोसाइटी बेचारी इस बीच बड़ी क्लूलेस सी रही और इसीलिए आज उनकी मुश्किलों का सोल्यूशन देने आ रही हैं सविता बाबू। सविता भाभी की सेक्सी सॉल्यूशन। आए सविता। अरे ओहो सुमित, तुम यहाँ? ये हवा कैसी चल रही है सविता? ओह सुमित, तुम्हें इतना भी नहीं पता, आजकल हर जगह हर तरफ अन्ना की आंधी चल रही है, हवा तो बहेगी ना। ओहो, अरे हवा चल रही है। आई ना, ये देखो मुझे देखो, यहाँ भी हवा आ रही है। सविता मैं हूँ अन्ना स्पोर्ट में मैंने फैसला है। अबे तो फैन बंद करना, चुतिया बाल बिगाड़ दिए मेरे तो। मुश्किल से सेट करता हूँ मैं, एक मिनट ना, चालू रखो कैमरा, ऑन रखो ताकि ऑडियंस को पता चले कि मेरे ये असली बाल है। प्लीज। हाँ तो सविते, सिविल सोसाइटी के लिए क्या सोल्यूशन है तुम्हारे पास? सुमित ये क्या आते ही सवाल? अरे पहले दुआ, सलाम, हाय, हेलो, प्यार के दो शब्द तो कहो। क्या करूं सविता, आजकल क्या इतना मनी माइंडेड हो गया उन्हें। अच्छा चलो बोलो, कैसे हैं दोनों? I mean, कैसी हो तुम? बिल्कुल सेक्सी हूँ, देखो। तो आप बताओ सिविल सोसाइटी और टीम अन्ना के लिए क्या सोल्यूशन है? सबसे पहले तो ये लोग अपने नाम से टीम वर्ड हटा लें, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। टीम अन्ना सुनने में ऐसा लगता है जैसे मुंबई के उडुपी रेस्टोरेंट के किसी ओनर्स की यूनियन है। सो सॉल्यूशन नंबर 1, फाइंड अ बेटर नेम। IPL टीम जैसा नाम भी रखा जा सकता है, जैसे अन्ना जेल रेंजर्स या फिर हजारे सुपर धनबाद, सुपर धनबाद। वाह वाह, या फिर अन्ना की तमन्ना। मस्त है ना, अन्ना की तमन्ना है कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। वाह वाह वाह। और बताओ सविता, सिविल सोसाइटी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि प्रोटेस्ट कहाँ बैठ के करें। बेसिकली पोजीशन की दिक्कत है, एंड आई थिंक द बेस्ट पोजीशन इज 69। आई वाउच फॉर दैट, क्योंकि 69 एक डेमोक्रेटिक पोजीशन है और इसमें सबको एक साथ बराबर का फायदा होता है। सो मैं उनसे कहूंगी दिल्ली की किसी भी स्ट्रीट में 69 नंबर फ्लैट में बैठ जाओ और वहां जाके धरना दो, बेस्ट होगा, मोस्ट प्रोडक्टिव, एंड रिजल्ट्स भी मिलेंगे। फैंटास्टिक, वाह, नाम और बैठने की पोजीशन की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है। चलो तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सिविल सोसाइटी की, लोगों को इनके सपोर्टर नहीं पसंद, जैसे कि बाबा रामदेव, RSS, श्री श्री रविशंकर। तो ये प्रॉब्लम पार्टनर्स का है और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अपना पार्टनर सोच समझ कर चुनना चाहिए, फिर चाहे वो वन नाइट स्टैंड के लिए ही क्यों ना हो। और यहाँ तो वन नाइट एट जंतर मंतर या वन नाइट एट रामलीला मैदान वाली बात है, हार्ड ग्राउंड, ओपन स्काइज, मतलब पार्टनर और सोच समझ कर चुनो, somebody who knows how to do it। वाह वाह, क्या डीप एडवाइस दी है, सुन रहे हो ना सिविल सोसाइटी वालों। हाँ, पथरीली जमीन पर सॉफ्ट अप्रोच वाले पार्टनर चुनो, ऐसे हार्डकोर नहीं। और सविता सिविल सोसाइटी की लास्ट प्रॉब्लम है कि इनका ये मूवमेंट बार बार खड़ा होता है, बार बार गिरता है, यू नो शीघ्र पतन। सुमित ये तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, I mean, किसी के लिए भी इतना बड़ा मूवमेंट बहुत देर तक सस्टेन करना काफी मुश्किल होता है। राइट। और इसके लिए
दे नीड गुड ल्यूब्रिकेशन राइट स्वीट टंग वाले कुछ स्पोक्स पर्सन जो बोल बोल के ही शोले भड़काते रहेंगे एंड एज ए पार्टिंग एडवाइस मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अपना सारा जोश सारी एक्साइटमेंट फोर प्ले में ही डाल दोगे तो आगे जाकर कुछ नहीं कर पाओगे सो टेक इट स्लो एंड स्टेडी क्या बात है सविता यू आर फैंटेबुलस मैं ये एडवाइस कभी नहीं भूलूंगा सिविल सोसाइटी वालों तुम भी मत भूलना बाय सविता बाय सुमित फिर मिलेंगे अरे शर्मा जी आप यहाँ पार्क में अकेले अकेले क्या बात है बहुत दिनों से आप आए नहीं चलिए मैं आपको कंपनी देती हूँ अच्छा यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक तब तक कुछ बजाइए